प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन चल रहा है। बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में ये निर्धारित है। तो बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है श्रीमद् भगवद गीता साक्षात श्रीमुख है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के अवसर पर कुरुक्षेत्र में अर्जुन को आत्मतत्व संबंधी जो उपदेश दिया, उसी को संपूर्ण जनमानस गीता के नाम से जानता है। गीता की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए लिखा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिःसृता। यह स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु रूपधारी श्री कृष्ण जी की साक्षात वाणी है। किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को जो उपदेश दिया गया, उसे हम गीता के नाम से जानते हैं। तो गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय और 700 श्लोक, इन 700 श्लोकों को हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें मात्र 72 श्लोकों को पढ़ना है जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। द्वितीय अध्याय को पढ़ना है, द्वितीय अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। उन 72 श्लोकों में से लगभग 43 श्लोक हमने आपको पढ़ा दिए थे। 44वें और 45वें श्लोक आपके सम्मुख हैं, इनका क्या अर्थ है उसको समझना है। इसके पहले थोड़ी सी बातों को जान लें। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को देह और देही का अंतर बताया, उसके बाद उन्होंने सांख्य योग के द्वारा अर्जुन को समझाने की चेष्टा की, फिर उन्होंने कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म योग की बुद्धि द्वारा उन्हें एकाग्रचित्त होने की बात कहते हैं और स्वधर्म पर आचरण करने की बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुणयो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। बोले आत्मवान, आत्मवान बनो, आत्मतत्व वाले बनो। और कैसे बनना है, तो देखिए दो बातें हैं, ज्ञानकांड और कर्मकांड। तो कर्मकांड में तो व्यक्ति यज्ञ दान तप व्रत इत्यादि में ही जीवन गुजारता है और वह संपूर्ण जीवन बिता देता है, परंतु आत्मतत्व अर्थात आत्मबोध की प्रक्रिया में नहीं जा पाता है। वह इस बात को समझ ही नहीं पाता है कि हमें मोक्षानुगामी होना चाहिए, मुझे आत्मतत्व की प्राप्ति करनी है। क्यों? क्योंकि वह वेद की उपासना में ही लगा रहता है। तो वेद जो हैं वे व्यक्ति को स्वर्ग तक ले जाते हैं, माने जो वैदिक क्रियाकलाप है यज्ञ दान इत्यादि, ये हमको मुक्त नहीं करते बल्कि हमको त्रिगुणों में ही घुमा के रखते हैं। सत्व रजस और तमस, इनके फल स्वरूप सुख दुख मोह रूप जो हमें भोग हैं वे प्राप्त होते रहते हैं। तो जीवात्मा जो है वह वेद में जो प्रतिपादित यज्ञ कर्मकांड इत्यादि हैं वो उसी में उलझ करके स्वर्ग नरक जीव इसी में वह पुनरावृत्ति करता रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी बात को समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, आप इन सबसे ऊपर आत्मवान बनो, आत्मतत्व को समझो। क्यों? क्योंकि त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुणयो भव अर्जुन। भव माने हो, अर्जुन माने हे अर्जुन। हे अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रिगुण ही विषय हैं किसके? वेद के।
त्रिगुण सत्व रजस और तमस, सत्व रजस और तमस। सांकारिका अगर पढ़ेंगे तो इस पर कृष्ण ने बड़े अच्छे से लिखा, सत्वम लघु प्रकाशकम उपस्तंभकम चलम च रजः गुरुवर्णकम एव तमसः परस्ताद प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। सत्व रजस और तमस यही तीन गुण हैं, इन्हीं त्रिगुणों के भोग को और इन्हीं के स्वरूप की व्याख्या कौन करता है? वेद करता है। तो आपको वेद को जान तो लेना है परंतु उसके भोगों में ही आसक्त नहीं हो जाना है। सत्व गुण वह होता है जो हमें किसी कार्य में लगाता है, रजोगुण वह है जिसके फलस्वरूप हम कार्य करते रहते हैं, और तमस नाम का जो गुण है वह कार्य को रोक देता है, नियंत्रण करता है, नियमन करता है। सत्व गुण प्रधान लोग बुद्धि और ज्ञान मार्ग से जीविका चलाते हैं, निर्वाह करते हैं। रजस प्रधान लोग क्रियाशील होते हैं, और तमो प्रधान लोग, तो तम प्रधान जो होता है उसमें अशुद्धि होती है, उसके चलते व्यक्ति गलती कर बैठता है, 63 को 36 लिख देता है और 36 को 63 लिखने लगता है, उसमें प्रमाद आने लगता है, गलतियाँ आने लगती हैं, तो वह कार्य जो है वह तमोगुण का है। तमोगुण किसी कार्य को रोकने का कार्य करता है, नियमन करता है। त्रिगुणों पर व्याख्या नहीं करना है तो बोले त्रिगुण विषया वेदा, ये जो वेद हैं ये त्रिगुण ही इनके विषय हैं, सत्व रजस और तमस इन्हीं को प्रतिपादित करते हैं, और उनके द्वारा प्राप्त होने वाले जो सुख दुख और मोह स्वरूप जो भोग हैं उन्हीं की विवेचना करते हैं। तो आपको इसी में ही उलझे नहीं रहना है कि पूजा उपासना कर्मकांड में उलझे रहो। निस् त्रिगुणय भव अर्जुन, हे अर्जुन त्रिगुण्य से रहित हो, इन त्रिगुणों से रहित हो जाओ, अर्थात सुख दुख और मोह का परित्याग कर दो। देखिए सुख जो है, सुख यह सत्व गुण का कार्य है, और जो रजस है दुख उसका कार्य है, और जो तमोगुण है उसी के कारण हमको मोह या ज्ञान उत्पन्न होता है। तो बोले इस समय जो भी तुम सुख दुख और मोह स्वरूप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, इन सब का परित्याग कर दो। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, हे अर्जुन निस्त्रैगुण्य हो जाओ, अर्थात सुख दुख मोह इन सब का परित्याग कर दो। सत्व रजस तमस और इनके द्वारा जो उत्पन्न इनके कार्य हैं सुख दुख और मोह, इनसे भी आप क्या हो, परित्यक्त हो जाओ। निर्द्वंद्व, द्वंद्वों से रहित हो जाओ। निर है ना, निर का अर्थ होता है अभाव, है ना, निर्द्वंद्व द्वंद्वा नाम अभाव, अव्ययी भाव समास है। तो निर्द्वंद्व द्वंद्वों से रहित हो जाओ। द्वंद्व किसे कहते हैं? तो द्वंद्व का अर्थ हुआ कि शीत उष्ण सर्दी गर्मी, है ना, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, ये जो विपरीत द्वंद्व हैं इन द्वंद्वों से क्या हो जाओ, रहित हो जाओ। नित्य सत्व स्थ, आपको सत्व में स्थ, आप नित्य सत्व में स्थित हो जाएं, और निर्योग क्षेम, योग क्षेम से रहित होकर। देखिए योग क्षेम नहीं, निर्योग क्षेम, पहली बात तो योग क्षेम क्या है उसको समझो, फिर उसके अभाव को जानो। तो योग और क्षेम, योग क्षेमम वहाम्यहम, गीता में इस तरह की बात आई है ना, कि हे प्रभु मैं योग क्षेमम वहाम्यहम, मुझे योग क्षेम की प्राप्ति होगी। न योग क्षेम, वेदों में आया हमें योग क्षेम प्राप्त हो। योग क्षेम, क्षेम का अर्थ होता है कल्याण, और योग का अर्थ होता है जोड़, माने जो वस्तुएं हमारे पास नहीं है उनका योग हो जाए, वे हमसे जुड़ जाए, हमें प्राप्त हो जाए, और जो वस्तुएं हमारे पास हैं उनका क्षेम हो, उनका कल्याण हो, नष्ट ना हो। माने जो हमारे पास नहीं है वो हमें प्राप्त हो जाए, और जो हमें प्राप्त हो चुका उसकी रक्षा हो, वह नष्ट ना हो, उसे कहते हैं योग क्षेम। तो आपको क्या करना है? बोले आपको मुक्त्यर्थ आचरण करना है, इसलिए निर्योग क्षेम, आपको योग और क्षेम से भी रहित हो जाना है। इन सब से रहित होकर के आत्मवान, आत्मनिष्ठ बनो, आत्मबोध प्रक्रिया में लगो। आत्मवान बनो माने कहने का मतलब आत्मा का साक्षात्कार करता बनो। तो बात समझ गए होंगे कि हे अर्जुन जो वेद हैं इनका जो विषय है वो त्रिगुण है, सत्व रजस तमस, और उनके द्वारा उत्पन्न सुख दुख फलस्वरूप नाना प्रकार के भोगों का उल्लेख करते हैं। आप इन सब से रहित हो जाओ, अर्थात सुख दुख मोह इनसे रहित हो। निर्द्वंद्व द्वंद्वों से रहित, शीत उष्ण लाभ हानि जय पराजय, ये जितने प्रकार के द्वंद्व हैं उनसे रहित हो करके
नित्य सत्व में स्थित होकर के और योगक्षेम से रहित होकर के आत्मवान माने आत्मनिष्ठ हो, तो ये भगवान श्री कृष्ण का उपदेश रहा। तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि ऐसा ना हो कि आत्मज्ञान की प्रक्रिया में वेदाध्ययन ही ना किया जाए, बिना वेद के ही आत्मबोध प्रक्रिया में लग जाए, तो ऐसा नहीं है। देखिए, हमको वेद का अध्ययन करना है, परंतु वेद के में जो वर्णित भोग हैं उनके प्रति कहीं हमारी आसक्ति ना हो जाए, इसलिए हमको वेद के अर्थ को जान करके उससे परे हो जाना है या भाव। और दूसरी बात क्या है, क्योंकि जब हम फलभोग की कामना करेंगे, किसी कार्य को करने के पहले हम उसके भोगों की, उसके फल की कामना करेंगे, तब तो हम फल के हेतु हो जाएंगे, और जब फल के हेतु बनने लगेंगे तो फिर हमारा सुख दुख भोगने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और फिर हमको जन्म जन्मांतर में है ना उसकी प्रक्रिया में पुनः एक बार लग जाना पड़ेगा, तो हम मुक्ति की ओर ना जा करके बंधन की ओर चले जाएंगे। क्योंकि भोग से क्या होगा, कर्म करेंगे और कर्म से भोग। जैसे जीवन भर आप क्या कर रहे हैं, आप काम करते हैं, क्यों, भोग करने के लिए, भाई भोजन के लिए। भोजन क्यों करते हैं, तो उसका उत्तर है कार्य करने के लिए। कार्य क्यों करते हैं, भोजन करने के लिए। माने भोजन को अगर हम भोग कह लें, भोग, तो भोग क्यों भोगता है शरीर, तो बोले कर्म के लिए। कर्म क्यों करते हो, भोग के लिए। तो भोग से कर्म और कर्म से भोग, ये तो फिर एक श्रृंखला हमारी जो है जन्म जन्मांतर चलने लगेगी। तो हम नदी के कीड़े की भांति कभी है ना भंवर से निकल नहीं सकते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया कि हमको भोगों से परे जाना है। और वेदाध्ययन में एक ब्राह्मण को कितना है ना वेद और वेद के जो भी वर्णित फल हैं जो भोग हैं, हमें उनमें कितनी रुचि रखनी चाहिए। तो एक बात आप समझिए, जैसे प्यासा व्यक्ति है, आपको प्यास लगी है, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा तालाब है, एक बहुत छोटा तालाब है, तो ऐसा नहीं है आप बहुत बड़े तालाब के पास जाएंगे तो प्यास तो बुझेगी, अब एक हफ्ते प्यास नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। आप छोटे के पास जाएंगे तो भी प्यास बुझेगी, और बड़े के पास जाएंगे तब भी बुझेगी। तो इसलिए आपका प्रयोजन बस जितना प्रयोजन आपको बड़े जलाशय से, उतना ही प्रयोजन आपका सिद्ध होगा किससे, छोटे जलाशय से भी। माने आपको सिर्फ अपना प्रयोजन सिद्ध करना, उसके आकार पर नहीं जाना है कि वहाँ तो बहुत जल है तो वहाँ चले, इसमें छोटा जल है तो इसमें थोड़ा जल है तो इसमें चले, है ना, इसमें ना चले। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है, आपका प्रयोजन वहाँ बड़े जलाशय से भी उतना ही सिद्ध होगा जितना कि छोटे जलाशय से। इसलिए आपको अपने प्रयोजन सिद्ध हेतु वेदाध्ययन करना है, उसके भोगों पर नहीं जाना है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः विजानतः ब्राह्मणस्य बोले विजानतः आत्मतत्व को जानने वाला ब्राह्मणस्य माने ब्राह्मण के लिए सर्वेषु वेदेषु समस्त वेदों में तावान माने उतना ही प्रयोजन होता है, चारों वेदों से उसको उतना ही उसका प्रयोजन होता है। यावान है ना जितना, यहाँ पर अर्थ का अर्थ ले सकते हैं, अर्थ प्रयोजन, तावान अर्थ उतना ही प्रयोजन होता है। बोले यावान माने जितना कि सर्वतः माने सब ओर से, संप्लुतोद के माने भली प्रकार से भरे हुए, उदपाने माने जल से। तो बोले कि यावान माने जितना संप्लुतोदके, संप्लुतोदके का मतलब हुआ कि भली प्रकार से भरे हुए जलाशय से, और सर्वता माने सब ओर से भरे हुए जलाशय से, है ना, अर्थ माने प्रयोजन, उतना ही प्रयोजन होता है उदपाने जितना कि हमको उदक का पान करना है। बस उदक पान हेतु ही हमारा संपूर्ण जलाशय से प्रयोजन होता है, वो उसके आकार पे नहीं जाते हैं, उसमें कितना जल है उस पूरे जल को हम नहीं पीते हैं, बस हमारा प्यास बुझाना ही वहाँ पर क्या है, प्रयोजन है। उसके पूरे जल को समाप्त करना हमारा प्रयोजन है, उसके पूरे जल को पीना प्रयोजन नहीं है। तो उसी तरह से विजानता माने ब्रह्म तत्व को जानने वाला जो ब्राह्मण है, वो सर्वेषु वेदेषु समस्त वेदों में तावान अर्थ उसका उतना ही क्या होता है, प्रयोजन होता है, उससे अधिक उसका प्रयोजन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो समस्त उसमें जितने प्रकार के उल्लिखित भोग हैं वे समस्त भोगों का भोग करने लगे, ऐसा नहीं है। तो कहने का भाव बस यहाँ यही है कि जैसे मनुष्य को बहुत बड़ा सा जलाशय प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो
तो भी उसका उतना ही प्रयोजन सिद्ध होगा जितना कि उद्पाने छोटे जलाशय से। तो सर्वतः सब ओर से संप्लुतोद के भली प्रकार से भरे हुए जल से यावान माने जितना अर्थ माने प्रयोजन होता है उतना ही प्रयोजन उद्पाने माने छोटे से जलाशय से भी क्या होता है सिद्ध होता है। इसी तरह से विजानता माने आत्मतत्व को जानने वाले ब्राह्मण के लिए सर्वेषु वेदेषु तावान अर्थ समस्त वेदों में उसे उतना ही प्रयोजन सिद्ध होता है। तो इसलिए वह संपूर्ण वेदों में उल्लिखित जो भी भोग हैं उनके प्रति अपनी आसक्ति ना रख करके सिर्फ उनके स्वरूप को जान करके निकल जाता है। बात आप समझ में आई। इसके आगे जो 46वां 47वां श्लोक है उस पर मैं व्याख्या करता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 47वां और 48वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। प्रायः जिन्होंने गीता को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उनके मुख से यह श्लोक जरूर सुनने को मिलता है। और आपको विभिन्न स्थानों पर जैसे प्लेटफार्म हो गए, विद्यालय हो गया है ना, धर्मालय हो गए, देवालय हो गए, तो कहीं कहीं आपको यह कोटेशन लिखा हुआ मिलता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तो यह बात तो प्रायः सभी के मुख से निकल ही जाती है चाहे उन्होंने गीता का अध्ययन किया हो या ना किया हो। आप छात्र हैं, संस्कृत विद्यार्थी हैं, संस्कृत का अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो श्लोक है यह गीता के द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक है। गीता के द्वितीय अध्याय का कौन सा श्लोक है? तो गीता के द्वितीय अध्याय का, ठीक है, 47वां श्लोक है। इस बात को आपको जानते रहना चाहिए। आगे इसका जो अर्थ है वह मैं आपको समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से बस एक ही बात करते हैं कि हम आप यहाँ यह कर्मलोक है, जीवलोक है, मर्तलोक है, चाहे इसको मर्तलोक कहो, चाहे जीवलोक कहो, चाहे कर्मलोक कहो, वास्तविकता तो यह है कि यह एक कर्मलोक है। यहाँ पर हमको प्रतिक्षण कर्म करना ही है, परंतु यहाँ पर कर्म करने में ही सावधानी रखनी है। कर्म करना है ना, अकर्म से भी बचना है, परंतु कर्म में चतुरता भी करनी है। क्योंकि योग दर्शन में आपने पढ़ा होगा योग क्या है, तो योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। पतंजल योग दर्शन जो कि महर्षि पतंजलि विरचित है, तो भगवान पतंजलि से पूछा गया कि योग का क्या लक्षण है, तो उन्होंने योग का जो लक्षण दिया उन्होंने कहा कि योग कर्मसु कौशलम, योग जो है वह कर्म में कुशलता है, कर्म में कुशलता ही योग है। माने यह कर्मलोक है और हमें किन कर्मों से बच जाना और किन कर्मों को करते रहना है यह कुशलता जो समझ गया, मानो एक प्रकार का सच्चा योगी है। और कर्म में कुशलता ही क्या है, योग है। इसी बात को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाने की चेष्टा की और आगे चल कर के योग क्या है उसका लक्षण भी इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, समत्वम योग उच्चते। यह बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पहले आप इसको समझ लें। तो कब समझेंगे, कर्म का जब प्रसंग चलेगा तो कर्म के प्रसंग में ही आपको योग को भी समझ जाना है। तो वहाँ तो पतंजलि ने यह बताया कि योग कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता, कर्म में दक्षता, कर्म में चतुराई करना, यही योग है। कि कौन से कर्मों से हमें बच जाना है, किन कर्मों का क्या प्रभाव है, जो इस बात को समझ करके कार्य कर रहा है मान चले वो योग में ही जी रहा है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्जुन, तुम यह जो कह रहे हो कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे मित्रगण हैं, ये हमारे भ्राता हैं, ये हमारे बंधुजन हैं, इनको मारने से अच्छा तो यही होगा कि हम भैक्षम अपीह लोके, भिक्षाटन कर लें और उसी से गुजारा कर लें, वह अन्न हमारे लिए श्रेयस्कर है। क्योंकि गुरुजनों को मार करके यदि मुझे राज्य मिला और फिर मैं वो भोग करूँगा तो वह सारे जितने भोग हैं वे गुरुओं के भ्रातृजन के खून से सने हुए होंगे, तो ऐसे भोग से तो मेरा कल्याण ही नहीं होगा। तो अब यहाँ पर यह बात आई कि अर्जुन पूरे फल को, पूरे रिजल्ट को, पूरे निर्णय को एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से बता दे रहा है।
अभी युद्ध हुआ नहीं, युद्ध में क्या होगा, लेकिन उन्होंने सारी परिकल्पनाएं जितनी थी सब करके किनारे रख दिया, अपनी मनोदशा को व्यक्त कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण जी यही बात उन्हें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते ते अधिकार कर्मण एव, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा कर्मण एव अधिकार ते। यहाँ पर क्या है, अधिकारस्ते तो भाई विसर्ग संधि है, और यहाँ पर अगर आएंगे तो कर्मण एव है ना, तो इको यणस से यणस संधि हो जाएगी, कर्मण धन एव बराबर कर्मण्येव, तो कर्मण्येव अधिकार बराबर कर्मण्येव अधिकार ते, ते कर्मण एव अधिकार ते माने तुम्हारा, कर्मणि सप्तमी में है एक वचन में, जैसे मातरी पितरी वैसे कर्मणि, तो बोले ते कर्मणि कर्म में ही, ते माने तुम्हारा, अधिकार माने अधिकार है, तुम्हारा कर्म करने में ही क्या है, अधिकार है। फलेषु कदाचन मा, कदाचन माने कभी भी, फलेषु माने फलों में, मा माने नहीं, आपका अधिकार कर्म करने में ही है, कर्म के फलों में कदाचित आपका अधिकार मां माने नहीं है। ते अधिकार कर्मणि एव, आपका अधिकार कर्म करने में ही, आप कर्म करने के ही अधिकारी हैं, तो आप कर्म करो, कदाचित किसी भी समय में, फलेषु मा कार्य के फलों में आपका अधिकार नहीं हो सकता है, न हुआ है। और फिर आगे क्या समझाए कि मां माने मत कर्म फल हेतु, भू माने हो, तो माँ कर्म फल हेतु भू, भू या भूर इसको क्या करेंगे, विसर्ग हो जाएगा भू ह, तो माँ कर्म फल हेतु हेतु भू, तो बोले माँ कर्म फल हेतुर भूर, तो माँ कर्म फल हेतु भू, तो बोले कर्म फल का हेतु माँ माने, माँ माने मत बनो, कर्म फल का हेतु मत बनो, हेतु माने कारण, हमने कर्म कर दिया तो अब यह ना हो कि उसका जो फल आए उसे हमें ही भोग करना पड़े, इस कारण से भी आपको बचना है। तो बोले माँ कर्म फल हेतु, कर्म फल का हेतु माने कारण माँ माने मत बनो, कर्म फल का कारण मत बनिए, कर्म फल का कारण मत बनिए। देखिए यह तो एक सामान्य सी बात हो गई कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसके दो ही फल होते हैं, या तो सुख रूपी फल होगा या दुख रूपी फल होगा। जब सुख आएगा तो भी हमको इसी शरीर से ही उसको उपभोग करना है, और दुख आएगा तो भी हमें है ना, हमें ही उसका उपभोग करना है। तो परंतु जब हम कर्मफल के हेतु नहीं रहेंगे, जब कारण ही नहीं रहेंगे, हमने कर्मफल के लिए कार्य किया ही नहीं, तो चाहे उसका जो भी परिणाम है उसका उपभोग मुझे नहीं करना है, तो मैं कर्मफल से, कर्मफल के भोगों से है ना, कर्म के फल से अर्थात भोगों से क्या हूँ, बच जाऊँगा। और जब भोगों से आप बच जाएंगे तो आपका जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो फिर दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो फिर एक प्रकार से आप मुक्त ही हैं। बात क्या वो आप समझिए, देखिए जैसे हम आप संपूर्ण जीवन में इतना कर्म कर जाते हैं कि उसका फल आना शेष होता है और हमारी मृत्यु हो जाती है, और फिर हमें उस फल का भोग करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता, माने एक बार फिर जन्म लेना पड़ता है, और फिर हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वही प्रक्रिया होगी, हम मरते दम तक इतना कार्य करेंगे कि हमको तो पता है नहीं कि हम अभी मर जाएंगे, हम आज तक काम करते रहे और अचानक मेरी मृत्यु हो गई, अचानक या साधारण कैसे मेरी मृत्यु हो गई। अब उस जितना मैंने कर्म किया उसका फल तो आया नहीं, अब फल तो हमें ही भक्षण करना है, अब इस जन्म में तो हमने उस फल का भोग किया नहीं, तो फिर अब क्या हुआ, उस फल का भोग करने के लिए हमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इस सिद्धांत को आप ऐसे समझें, जैसे आपने कुम्हार का एक चाक देखा होगा, ठीक है, तो कुम्हार जो है बर्तन बनाने के लिए एक चाक रखता है, चक्र जिसे कहते हैं, तो उस चक्र को चलाने के लिए एक डंडे का प्रयोग करता है, वो उस डंडे को उसमें लगाता है और उसको चलाता है। जब चलाएगा तो करेगा क्या कि जब जब उसमें उस दंड को लगाएगा तो उसी से ऊर्जा भर के उसको एक प्रकार से चलाता रहेगा, तो डंडे के संयोग से वो चलेगा, लेकिन जब डंडा हटा लिया जाता है तब पर भी वह चाक चलता रहता है। तो सेम यही प्रक्रिया, जैसे डंडे को हटा लेने के बाद भी वो चक्र चलता रहता है, इसी तरह से हम इसी जन्म में इतना कर्म कर देते हैं कि जीवन माने संसार रूपी चक्र में हम इतना कार्य कर देते हैं कि हम मर जाते हैं और उसका फल आना शेष होता है, और फिर वह संसार चक्र चलता रहता है, हमें उसका फल भोग करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बात आप समझ में आ गई? भाई आप एक किसी वृद्ध को देख लीजिए, वो मरते दम तक काम करता रहा, आज उसने जो किया उसका फल आया, आना शेष रहा और उसकी मृत्यु हो गई, अब वो मर गया तो फल तो उसी को ही भोगना है ना। यदि ऐसा नहीं होता, अगर कर्मफल की व्यवस्था नहीं होती तो संसार ही नहीं चल पाता। आपने देखा ही है, एक सामान्य सी बात है, जो पढ़ता है उसे ज्ञान होता है, ठीक है, जो व्यक्ति
नहीं पढ़ता उसको नहीं ज्ञान हो पा रहा है। जो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, जैसे दुकान में ही आप कार्य कर रहे हैं, आपने घाटे का काम किया तो आपको घाटा मिलता है, आप मुनाफे का काम करते हैं तो आपको मुनाफा मिलता है, इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा। कर्म का फल जो है वही है और वही संसार का एक नियम है, उसी को रित और है ना, उसी को रित कहते हैं, उसी को नैतिक नियम कहते हैं। तो यह नैतिक नियम की एक व्यवस्था है कि जो कर्म हम करते हैं, जिस शरीर ने जो कर्म किया उसको उसी का उपभोग करना है, है ना। अब वो इस जन्म में करेगा या फिर नहीं, उसकी आयु शेष बचती है तो अगले जन्म में उसको उस तरह का उपभोग करना है, लेकिन करना उसी को है। तो परंतु जब हम कर्म फल के हेतु ही नहीं बनेंगे मेरी शरीर, तो उसका भोग करने के लिए भी हमको नहीं आना होगा। और जब हम भोग नहीं करेंगे तो एक प्रकार से हमारा जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म भोग तभी हम कर सकते हैं जब हमें शरीर हो, क्योंकि भोगायतनम शरीरम, भोगों का जो आयतन है वही शरीर है। भोग बहुत है परंतु शरीर नहीं है तो उसका उपभोग कैसे करेगा, है ना। तो एक तो स्थूल शरीर होती है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो स्थूल शरीर के लिए स्थूल भोग है और सूक्ष्म शरीर के लिए सूक्ष्म भोग है। तो जो स्थूल शरीर हमारा है तो जब ये रहेगा ही नहीं तो फिर उसका उपभोग कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म दोनों की बात कही जा रही है, क्योंकि जैसे स्वर्ग में हम जब जाते हैं तो शरीर तो यहीं छूट जाते हैं, लेकिन कहते हैं कुछ स्वर्गिक भोग हम उसको भोगेंगे। तो जो स्वर्गिक भोग हम भोगते हैं उसको हम सूक्ष्म शरीर से भोगते हैं, क्योंकि गीता में भी आएगा, इसमें तो नहीं आएगा लेकिन आगे लिखा है कि छीणे पुणे मर्त्यलोके विशन्ति, है ना। व्यक्ति का जब पुण्य क्षीण होता है तब वो मर्त्यलोक में पटक दिया जाता है, परंतु जब तक वो स्वर्ग में रहता है तो अपने सूक्ष्म शरीर से क्या करता है, स्वर्गिक भोगों को भोगता है। तो यहाँ कहने का बात यही है कि माँ कर्मफल हेतु, हे अर्जुन कर्मफल का हेतु मत बनो, क्योंकि जब हम किसी कर्म को करते हैं अगर उसका फल का हेतु कारण बन करके उस कार्य को कर रहे हैं तो उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर अगर गंभीरता से आप देखें तो सकाम कर्म की प्रेरणा नहीं दी गई है बल्कि निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी गई, माने कर्म का फल हमें ना प्राप्त, हम सिर्फ कर्म करते रहेंगे, माने एक प्रकार से हम लोक संग्रह के लिए कर्म करेंगे। बात समझ में आया, लोक संग्रह के लिए, लोक परोपकार हेतु हम कार्य करते चले जाएंगे परंतु उसके फल की इच्छा हम नहीं करेंगे, इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। तो यहां पर जिस कर्म की बात की गई कि कर्मणैव अधिकारः, आपका कर्म ही अधिकार है, तो यहां किस कर्म की बात की गई, सकाम कर्म की नहीं, वहां यहां पर निष्काम कर्म की बात कही गई। उसका उत्तर यहां निकल करके आता है कि माँ कर्मफल हेतु, कर्मफल हेतु माँ, कर्मफल का हेतु माँ माने मत बनो, कर्मफल का कारण माँ भू मत बनो। और फिर कहे कि अगर मान लीजिए आप ये सोचे कि हमको कर्म का फल नहीं मिलेगा, चलो हमको कर्म फल का भोग नहीं करना है तो आप काम करना ही छोड़ दो, ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा भी आपको नहीं करना है, आपको कर्म करते ही रहना है, है ना। कौन से कर्म करने, निष्काम कर्म को करते ही रहना है। बोले तब तो बोले माते संगह अस्तु अकर्मणि, यहाँ पर तोड़ लें अस्तु अकर्मणि तो अस्तु अकर्मणि, है ना। तो बोले कि माते संगह अस्तु अकर्मणि, माँ माने ना ही, ते माने तुम्हारा, संग माने आसक्त होने पाए, अकर्मणि यहाँ पर क्या इकोण श्रेण संधि है, ठीक है। संगह अस्तु धन अकर्मणि बराबर अस्तु अकर्मणि, ऊ धन अ, तो ऊ के बाद इधर अ है तो यहाँ पर ऊ को क्या हो गया, वह, तो संगह अस्तु अकर्मणि। तो बोले ते माने तुम्हारा, संग माने आसक्त, तुम्हारा लगाओ अकर्मणि म, अकर्म में भी नहीं होना चाहिए, आपको निष्काम कर्म निश्चित रूप से करते रहना चाहिए। बात आप समझ में आई, तो यहाँ पर बड़ी अच्छे से समझाने की कोशिश किया भगवान ने, हे अर्जुन ये एक स्वभाव है, ये जगत का एक क्या है, स्वभाव है, और उसमें से मुक्ति का क्या स्वभाव है, आप मुक्त होना चाहते हैं, यदि इस संसार के जाल से, माया के बंधन से ही मुक्त होना चाहते हैं तो सिर्फ आपको कर्म करने में ही चतुराई पकड़ लेना, आपको कर्म में ही दक्षता लानी है, ठीक है, आपको उन्हीं कर्मों को करना है जिससे बंधन नहीं होना है। तो वे कर्म कौन से, वे कर्म निष्काम कर्म है, उनसे ही आपका बंधन नहीं होगा, बाकी अन्य जितने भी कर्म उनसे आपका बंधन होगा, और जब बंधन होगा तो फिर आपका बंधन का मतलब जन्म बंधन होगा, फिर आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, फिर आपको है ना बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, फिर इस तरह से आपको ये चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम मूढ़मते, तो ये आपको हमेशा ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जो भगवान शंकराचार्य ने कहा था वो मैंने आपको समझाया। तो कर्मण ये अधिकार है, ते अधिकार है कर्मण, एवं आपका अधिकार जो है निष्काम कर्म में ही है, है ना। आप कर्म करते रहो, कर्म फल माँ फलेषु कदाचन, आप कभी फल की इच्छा ही मत करो, माँ कर्म फल हेतु, कर्मफल की इच्छा के साथ साथ आप कर्मफल का हेतु माँ भू, कर्मफल के हेतु को भी आप है ना धारण करें, आप कर्मफल के हेतु भी ना बने, कारण भी ना बने। और ऐसा भी नहीं है कि हमको कर्मफल कर्म का फल नहीं चाहिए तो चलिए ठीक है हम कर्म ही करना छोड़ दें, ऐसा भी नहीं करना है, नहीं तब तो अकर्मण के आप साथी हो गए। तो बोले अकर्मण ते संगह माँ, आपके आपका अकर्मण में माने अकर्म में भी आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बोले क्या,
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। बोले योगस्थ, योग में स्थित होता हुआ। मैंने आपसे क्या कहा, योग क्या है, है ना, योग में स्थित होता हुआ। अब प्रश्न उठा योग क्या है, तो यहाँ पर नीचे देखें तो क्या लिखा है कि समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। समत्वम योग उच्यते, समत्व योग उच्यते, हानि लाभ जय पराजय इन सब में समान भाव बरतना ही क्या है, यही योग है, है ना। तो बोले समत्वम योग उच्यते, समता, समदर्शिता, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, है ना, चांडाल ब्राह्मण सब में एक समान समदर्शी होना, यही क्या है, यही जो है योग है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है ना, समदर्शी कछु इच्छा नहीं। जो व्यक्ति समदर्शी होता है तो उसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती है और वह माने एक प्रकार से पूर्ण काम, काम माने कामना, पूर्ण माने पूर्ण, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जब पूर्ण काम हो गया तब तक प्रकार से ब्रह्म स्वरूप हो गया तो फिर उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। यही बात यहाँ पे भी कहा गया कि समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। अब समता ही योग है तो किस प्रकार की समता को कहा गया, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय जितने भी द्वंद्व हैं, जो भी शरीर के धर्म है, है ना, इनमें पूर्ण रूप से समानता, समत्व भाव प्रदर्शित करना ही क्या है, योग है। और इस प्रकार के योग स्थ, योग में स्थित होते हुए कर्माणि कुरु, कर्मों को करो। कैसे कर्मों को करो, निष्काम कर्म को करते रहो। और करते कैसे करना है, तो बोले संगम त्यक्त्वा, संग माने होता है आसक्ति, फल की आसक्ति को, त्यक्त्वा माने त्याग करके, फलासक्ति को, है ना, फल के लगाव का, त्यक्त्वा माने त्याग करके, धनंजय माने हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, फल की आसक्ति का परित्याग करके योग में स्थित होते हुए कर्माणि कुरु, कर्मों को करिए, कर्म को निश्चित रूप से करिए। और फिर बोले सिद्ध है सिद्धयोह, तो सिद्धि धन असिद्धि, तो सिद्धि धन असिद्धि बराबर सिद्ध सिद्ध, तो यहाँ पर है ना द्वितीय उसमें द्विवचन में है, तो सिद्धि धन असिद्धयोह, सिद्ध और असिद्ध माने, हाँ सिद्धि और असिद्धि का मतलब हुआ कि सिद्ध माने हुआ जो प्राप्त हो जाए और असिद्ध माने जो कार्य सिद्ध ना, जो प्राप्त ना हो। इसका मतलब हुआ लाभ और हानि दोनों में समो भूत्वा, समान रहते हुए, है ना, कर्माणि कुरु, कर्मों को करिए। समत्वम योग उच्यते, समता ही क्या है, योग है। समत्व को ही क्या कहते हैं, योग कहते हैं। अब एक बात आप समझ लीजिए, अगर पूछेगा गीता के अनुसार योग का क्या लक्षण है, गीता के अनुसार योग का क्या लक्षण है, तो आपको बताना है कि समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। समत्व को योग कहते हैं। समत्व किस प्रकार के समत्व को, तो पूरी बात यहाँ से ले सकते हैं, सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में समान रहना ही क्या है, योग है। एक प्रकार से हानि लाभ जय पराजय यश अपयश जितनी भी है ना भाव हैं, जो भी द्वंद्व हैं, इन सब में समान रहना ही, यही क्या है, योग है। इसी को आचार्य पतंजलि ने अपने योग दर्शन में यह बात रखी, योग सूत्र के माध्यम से, योगः कर्मसु कौशलम। योग दर्शन में योग क्या है, तो योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही क्या है, योग है। किन कर्मों को करें कि हमारा बंधन ना हो, हम जन्म बंधन में ना हो, है ना, पुनः हमें गर्भवास ना करना पड़े, इस व्रत से मुक्त हो जाएं, यह जो कर्म की कुशलता है इसे ही क्या कहते हैं, योग कहते हैं। अब बात समझ में आया, इसी बात को यहाँ भी यह समझा दिया गया, आप कर्म करते रहो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, इस प्रकार की कुशलता से युक्त होकर के कर्म करना ही, यही क्या है, योग है। इसी समता को अपनाना ही क्या है, योग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कहीं पूछ ही लेगा कि गीता के अनुसार जो है योग किसे कहते हैं, तो आपको यह बात बतानी होगी, समत्वम योग उच्यते, ठीक है, समत्व ही योग है। और अगर आपसे पूछेगा कर्मण एव अधिकार हते मा फलेषु कदाचन, यह श्लोक किस अध्याय का है, तो आपको बताना होगा 247, एक प्रकार से दूसरे अध्याय का है, तो ये कहाँ का श्लोक है, 247, इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि द्वितीय अध्याय का 47वां जो श्लोक है वह यह है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, इसके आगे की जो कक्षा है मैं आपको, है ना, अगले वीडियो में समझाता हूँ। तो धन्यवाद।